एक बार ना आपने जो पैकेज इंस्टॉल किया है वो ग्रुप पे डाल दो, ठीक है? कैसे करना है? मैंने जो कमांड दी थी उसी से हो जाएगा ना वो ये सिर्फ उसी से हो रहा है, कनेक्ट? बाकी एग्जैक्ट कुछ नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है। बाकी सब लोगों ने वो कमांड इंस्टॉल नहीं की है क्या कनेक्शन के लिए, AWS कनेक्शन के लिए इन एयरफ्लो? यस सर, किया है ये सर। एक्चुअली मेरे को भी सेंसर का सेम इनपुट प्रॉब्लम इसको आ आ रहा रहा है था। क्या? यस चिन्मय, ओके 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 ठीक है, आई'ल हैव अ लुक एट इट। आप प्रियंका एक बार ट्राई करके देख लो आप फिर से, शेड्यूलर डीबी इनिट बंद करके, वेब सर्वर बंद करके उसको फिर से इंस्टॉल करो और सारी चीजें स्टार्ट करो, ठीक है? आपका डैक क्यों रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, वो तो शेड्यूलर का इश्यू है, ठीक है? अगर ये लोकल में यही एरर परसिस्ट करते हैं ना, तो आई वुड सजेस्ट, आपके पास अगर क्रेडिट होंगे तो, मैंने आज वीडियो शेयर किया है EC2 पे कैसे इंस्टॉल करना है विद बूटस्ट्रैप यूजर डेटा स्क्रिप्ट, ठीक है? तो वहां पे इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट जब प्रोविजन कर रहे हो ना EC2 इंस्टेंस, तो वहां पे यूजर डेटा स्क्रिप्ट डाल दो। वो जो वीडियो दिखाए हैं ना, डाला है ना, उसके अगर डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, तो आपको यूजर डेटा स्क्रिप्ट की गिटहब की रिपोजिटरी मिल जाएगी, ठीक है? तो वहां से कॉपी पेस्ट करके वो डाल देना आपके EC2 इंस्टेंस के यूजर डेटा ऑप्शन में, बूटस्ट्रैपिंग ऑप्शन में, तो आपका वो इंस्टॉलेशन हो जाएगा एयरफ्लो का, एंड यू कैन यूज इट फॉर योर डैग्स, ठीक है? तो ये इश्यूज परसिस्ट करते हैं लोकल सिस्टम में, तो दैट इज द ओनली सॉल्यूशन दैट आई हैव फॉर यू, ठीक है? अदरवाइज मैंने और एक चीज बोली है, चैट में डाला है, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके उसमें डीबी इनिट एयरफ्लो शेड्यूलर और एयरफ्लो वेब सर्वर ऑन करो, ठीक है? कैन यू सी द चैट? यस सर। तो पहली कमांड है वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएशन की, ठीक है? और दूसरी कमांड है उस वर्चुअल एनवायरनमेंट में एंटर करने की। आप वर्चुअल एनवायरनमेंट में एंटर करने के बाद एयरफ्लो डीबी इनिट और एयरफ्लो शेड्यूलर करो, उसके बाद दूसरी विंडो में जाके भी एयरफ्लो वेब सर्वर जब करोगे तब भी वर्चुअल एनवायरनमेंट में जाके करना, वहां की क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी क्रिएटेड है वर्चुअल एनवायरनमेंट, तो यू कैन डायरेक्टली सोर्स इनटू दैट वर्चुअल एनवायरनमेंट और उसमें वेब सर्वर ऑन करो। दिस कैन मिनिमाइज दिस टाइप ऑफ इश्यूज, आई एम नॉट वेरी सर्टन, लेकिन ट्राई दिस थिंग आउट, ठीक है? आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी जो भी इश्यूज आ रहे हैं ना, तो आप यू विल हैव टू परसिस्ट विद दोस इश्यूज, ट्राई टू स्पेंड टाइम, ट्राई टू सर्च एंड कम अप विद अ सॉल्यूशन, ठीक है? तो ये ऑब्जेक्टिव ही वही है कि जब आप करोगे इश्यूज तो आएंगे, और उसको रिजोल्व कैसे करना है यू विल हैव टू ट्राई, ठीक है? जस्ट एक बार इशू आया, मैंने थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया, और नहीं आया तो किसी से पूछ लिया, दिस शुडंट बी डन, ठीक है? ट्राई करो, एक दूसरे से बात करो और सर्च करो, यू गाइज आर कैपेबल इनफ टू फाइंड अ सोल्यूशन, क्योंकि 2 महीने में आप कंपनी में जाके काम करने वाले, ठीक है? तो सोचो उसके बारे में, वहां पे तो कोई बताएगा नहीं आपको इतना, समझ रहे? तो कर लो ये, यस ठीक है? तो वी कैन स्टार्ट फॉर टुडे, ठीक है? सो व्हाट व्हाट आई हैव प्लान्ड इज, ठीक है, मैंने सोचा था कि मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन ले लूं, बट उससे अच्छा मुझे जो वीडियो है ना मिला है, तो वो काफी अच्छा है इन एंटायरिटी, तो आप उसी को फॉलो करके आप ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि व्हाई आई एम डूइंग दिस इज आई डोंट थिंक आई कैन एक्सप्लेन बेटर देन इट, ठीक है? तो उसने काफी अच्छे से समझाया है बिल्डिंग अ बैच डेटा पाइपलाइन यूजिंग एयर फ्लो, स्पार्क, EMR एंड स्नोफ्लेक। यहाँ पे अगर स्नोफ्लेक रखना है तो स्नोफ्लेक भी रखो, ऑल्सो यू कैन एड एन रेड शिफ्ट लेयर, तो 2 कंजम्पशन बना दो, तो क्या होगा पता है क्या, ये आपका एंड टू एंड एक प्रोजेक्ट का फील दे देगा, और इसने काफी अच्छे से लिया है, ही हैज गिवन ऑल द फाइल्स, बेसिक ट्रांसफॉर्म किया है और कुछ भी नहीं किया है, जस्ट टू क्लियर योर थॉट प्रोसेस, ठीक है? जस्ट 41 मिनट्स का वीडियो है, आई हैव गॉन थ्रू इट, इट इज वेरी गुड, ठीक है? आई वॉज थिंकिंग ऑफ टेकिंग दिस, बट वॉट आई एम थिंकिंग इज इफ यू कंप्लीट दिस पार्ट, इसका और मेरे प्रोजेक्ट का काफी ज्यादा कोरिलेशन है, तो ये अगर आपने कंप्लीट कर लिया नेक्स्ट वीक में, आई कैन अरेंज वन स्पेशल सेशन, हम लोग आज सिलेबस तो कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आई कैन अरेंज वन स्पेशल सेशन, जिन लोगों ने ये कंप्लीट किया है ना, उनके उनको मैं मेरा प्रोजेक्ट समझा दूँ, सो दैट यू गेट न्यूआंस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्मॉल प्रोसेसेस, नहीं ठीक है? कोई कुछ बोलना चाहता है?
माइक ऑन था इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो देखो ये एक बार प्रोसेस क्लियर कर लो। जैसे बोटो 3 से पाइथन फंक्शन मतलब पाइथन ऑपरेटर यूज करके आप सारी चीजें कैसे करोगे एंड टू एंड, सो दैट उसके बाद में थोड़ी बहुत चीजें ऐड कर दूंगा आपके प्रोजेक्ट में, ठीक है। सो आपका एक वर्क फ्लो तो रेडी हो जाएगा उससे, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट टू गो यू गाइज टू गो थ्रू दिस वीडियो, क्योंकि काफी अच्छा है उसने। देखो सारी चीजें अच्छे से की है, कि लैंडिंग लेयर, क्यूरेटेड लेयर, स्नोफ्लेक में डंप किया है, सब कुछ किया है। तो वैसे रेडशिफ्ट में डंप कर पाओगे तो आपको काफी एक एनहांस अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी इस वीडियो से। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, वर्क फ्लो डेमोन्स्ट्रेशन है बस, ठीक है। तो आई वुड अप्रिशिएट इफ यू कंप्लीट दिस। यू हैव टाइम, एक हफ्ता ले लो, थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करो इस पे, ठीक है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सर कुछ दिक्कत है? डू यू वॉन्ट मी टू टेक दिस? क्योंकि देखो स्क्रिप्ट उसी ने दी है, मैं भी करूंगा ना तो स्क्रिप्ट लेके ही करूंगा, ठीक है। तो उसने काफी अच्छे से लिया है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइस टू डू इट ऑन योर ओन। दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। उसके बाद जो भी वैल्यूएशन करनी है आई कैन डू दैट विथ वन मोर लेक्चर, ठीक है। तब तक आप एटलीस्ट खुद से ट्राई कर लो ये चीज, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग कुछ चीजें ले सकते हैं उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सारे कोड्स वगैरह है ना गिटहब रिपोजिटरी में है, यू विल गेट दोस कोड फ्रॉम हियर, ठीक है। तो आप इसको इम्प्लीमेंट करो। कितने लोगों को क्लियर है चीज क्या करना है इसमें? इसमें कुछ नहीं है बेसिकली। अगर इफ आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू क्या किया है उसने, यू कैन सी इट हियर ऑल्सो, ठीक है। जस्ट गिव मी सेकंड। हाँ उसका वर्क फ्लो यही है कि वो ट्रांजिएंट क्लस्टर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो क्रिएट क्लस्टर और टर्मिनेट क्लस्टर के दो ऑपरेटर तो आ ही जाएंगे, ठीक है। इंजेस्ट लेयर में वो डब्ल्यू गेट कमांड है, शेल कमांड है, तो वो बैश ऑपरेटर यूज कर रहा है शायद इसमें। हाँ तो इंजेस्ट लेयर में वो क्या कर रहा है, डब्ल्यू गेट से एपीआई से डेटा पुल कर रहा है इन योर S3 बकेट, ठीक है। और यहाँ पे पोलिंग स्टेपलर शायद कोई सेंसर यूज कर रहा है यहाँ पे, और उससे वो डिटेक्ट कर रहा है कि उस बकेट में डेटा आ रहा है या नहीं। उस डेटा को वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है यूजिंग ग्लू, नो नो, यूजिंग EMR, EMR प्रोविजन कर रहा है। तो स्टेप ऐड कर रहा है वो, तो ट्रांसफॉर्म की स्क्रिप्ट भी उसने दी है, थर्ड नंबर की स्क्रिप्ट ट्रांसफॉर्म की है। तो ट्रांसफॉर्म स्क्रिप्ट में बेसिक कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किया है उसने, और उसके बाद वो फिर से इसको मॉनिटर कर रहा है। ये स्टेप जॉब जब तक कंप्लीट नहीं होता है तो उसको मॉनिटर कर रहा है पोल स्टेप लेयर 2 में। अगर ये कंप्लीट होने के बाद फिर क्लस्टर टर्मिनेट कर रहा है। सो दिस विल बी योर ट्रांजिएंट क्लस्टर का मैकेनिज्म, दिस विल बी योर सॉर्ट ऑफ एक्सट्रैक्ट पार्ट, इंजेशन पार्ट यू कैन से, एंड देन दिस विल बी योर ट्रांसफॉर्म पार्ट। यहाँ पे आपकी नीड खत्म हो रही है बिफोर लोडिंग टू व्हाट डू यू से योर डेटा वेयर हाउस। आपके क्लस्टर की नीड खत्म हो रही है ट्रांजिएंट, तो उसको टर्मिनेट करने के बाद वो लोड कर रहा है स्नोफ्लेक लोड, ठीक है। तो स्नोफ्लेक के साथ साथ आपको रेडशिफ्ट में भी लोड करना है यूजिंग कॉपी कमांड, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्म लेयर का आउटपुट है वो S3 में स्टोर कर रहा है। इफ यू कवर दिस योर अंडरस्टैंडिंग विल ग्रो एक्सपोनेंशियली आई वुड से। अगर इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके खुद से इम्प्लीमेंट करके, जस्ट नॉट जस्ट कॉपिंग कोड्स फ्रॉम हिज रेपो, आप अगर इसको प्रॉपर प्लानिंग से कहीं पे लिख के रखते हो कि इसमें से मुझे ये बताना है, वो बताना है, इसमें ये कनेक्शन है, वो कनेक्शन है, यू कैन गेट रेडी फॉर योर प्रोजेक्ट। दिस इज वेरी गुड वीडियो, ठीक है। आई वुड अप्रिशिएट, मतलब इट विल बी यूजफुल फॉर यू गाइज ओनली। दिस इज नॉट एनीथिंग दैट आई कैन फोर्स यू टू डू, बट दिस इज वेरी यूजफुल। तो अगर मुझे कोई सिंगल वीडियो रिकमेंड करना है किसी सिंपल अंडरस्टैंडिंग को, एंड टू एंड वर्क फ्लो की अंडरस्टैंडिंग को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, तो दिस वुड बी द बेस्ट वीडियो। हाँ हाँ बोलो, ठीक है। तो
आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइस टू डू दिस। इसमें कुछ नहीं है, बोटो 3 यूज किया है, पाइथन कॉलेबल पाइथन ऑपरेटर यूज किया है, ज्यादा ऑपरेटर्स भी यूज नहीं किए, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी मॉड्यूल इश्यूज एंड ऑल, ठीक है। तो ये दो चीजें कर लो। तो मेरा आज का एजेंडा तो ये था कि आई ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ टू कवर थियरी, ठीक है। तो ये आप कर लो, हम लोग एक स्पेशल सेशन लेते हैं टू एक्सप्लेन यू द प्रोजेक्ट। मतलब मेरे तरफ से कुछ एडिशनल इनपुट अगर देने हैं मुझे इस प्रोजेक्ट में, मेरे प्रोजेक्ट में से, तो आई कैन एड वैल्यू टू इट, ठीक है। लेकिन इसको अच्छे से कर लो गाइस, क्योंकि सबने कर लिया ना तो काफी एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, नॉट जस्ट एयर फ्लो बट योर क्लाउड अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। लाइक हियर ईएमआर क्लस्टर इज गेटिंग इन्वॉल्व, योर ट्रांसफॉर्मेशन इज गेटिंग इन्वॉल्व, ऑल्सो योर लोड डंपिंग टू योर डेटा वेयर हाउस इज ऑल्सो गेटिंग इन्वॉल्व। सो दिस इज एग्जॉस्टिव सोर्स दैट यू कैन गेट, ओके। चलो हम लोग थोड़ी बहुत थियरी के बारे में, मतलब आई आई नो कि सबको क्वेश्चंस है कि एयर फ्लो के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, हाउ डू वी प्रिपेयर, कोई वीडियो है क्या। टू बी ऑनेस्ट, मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे भी कोई वीडियो नहीं मिला। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने चैट जीपीटी से निकाले थे, ठीक है, और उसको रिफाइन किया था अपनी तरफ से। चैट जीपीटी के रिस्पॉन्सेस थोड़े बड़े होते हैं, तो हमें जो भी सिंपल वर्ड्स और सिंपल चीजें खुद को समझने के लिए जो भी लगती है वैसे आंसर्स रखे थे हम। तो व्हाट वी यूज टू डू इज, तो व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, हैव टेक अ ग्लांस ओवर इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीजें इसमें बोली गई है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इट मीन्स। देखो जैसे अब व्हाट इज अपाचे एयर फ्लो, हाउ डू यू डिफाइन, आप ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है ये तो पता ही है, और किस चीज के लिए यूज होता है, फॉर ऑर्केस्ट्रेशन। इफ यू वांट टू एक्सप्लेन ऑर्केस्ट्रेशन, हाउ यू कैन एक्सप्लेन ऑर्केस्ट्रेशन, यू कैन यूज दिस वर्ड, यूज टू प्रोग्रामेटिकली क्रिएट शेड्यूल एंड मॉनिटर वर्कफ्लोज, ठीक है। तो ये सीएसएम मैंने इसी के लिए लिखा था कि मुझे ये तीन कीवर्ड याद आने चाहिए, क्रिएट शेड्यूल एंड मॉनिटर, ठीक है। इसी तरह ना बाकी के क्वेश्चन आपको करने हैं, जैसे देखो व्हाट आर डैग्स इन एयरफोर्स। तो हमने इतनी बार मैंने डैग्स पे इम्फोसाइज किया है कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन एंड डिपेंडेंसीज वही है, कलेक्शन ऑफ टास्क दैट हैव स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन एंड डिपेंडेंसीज। तो ऐसे डेफिनेशंस और इससे अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करनी है आपको, ठीक है। हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे डिफाइन अ डैग, सिंपल सेम ही क्वेश्चन है वो, हाउ डू यू डिफाइन अ डैग इन एयरफ्लो यूजिंग पाइथन कोड, दैट इज वेरी ऑब्वियस, राइट। एंड टास्क डैग कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टास्क विच आर डिफाइंड यूजिंग एयर फ्लो ऑपरेटर्स, राइट, नॉट जस्ट ऑपरेटर्स, इट कैन बी सेंसर्स ऑल्सो, ठीक है। वॉट आर ऑपरेटर्स, तो ऐसे टाइप क्वेश्चन आपको थोड़े बहुत रीड कर करके आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। एंड यू कैन एड योर नोट्स टू इट ऑल्सो, ठीक है। विल गो थ्रू, हाँ देखो वॉट इज सेंसर, सेंसर क्या है, इट वेट्स फॉर अ स्पेसिफिक कंडीशन टू बी मेट बिफोर एग्जीक्यूटिंग अ टास्क। एक कोई सेंसर को इमेजिन कर लो, जैसे S3 की सेंसर हो गया, या फिर एक्सटर्नल टास्क सेंसर हो गया, तो उसको अगर उसकी फंक्शनैलिटी को इमेजिन करते हो, तो यू नो कि इट वेट्स फॉर अ स्पेसिफिक कंडीशन टू बी मेट बिफोर एग्जीक्यूटिंग नेक्स्ट टास्क, सिंपल है ना। तो ऐसे ऐसे अपने अंडरस्टैंडिंग को आपको बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। और देर इज नो व्हाट डू आई से, देर इज नो पेनेसिया, लाइक कि एक कोई सॉल्यूशन नहीं है इस पे कि मुझे कोई 2 घंटे का वीडियो दे दो और मुझे पूरा एयर फ्लो, उसकी थियरी, उसके डायग राइटिंग ये सब समझ जाए, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। जो कॉम्प्लिकेटेड या फिर डिस्क्रीट चीजें होती है उसको स्टडी करने में बहुत टाइम लगता है और उसको एफर्ट भी देने पड़ते हैं, ठीक है। ये तो आपके लिए काफी इजी है कि एटलीस्ट यू हैव ऑल दिस थिंग्स एट वन प्लेस, सो दैट यू कैन रेफर टू वन सोर्स। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड फ्रॉम इट, यू कैन सर्च ऑन वेब। तो ये एटलीस्ट इसके लिए तो आपको एक साई ऑफ रिलीफ लेना चाहिए। इफ यू, आई कैन बेट ऑन दिस, ओके, इफ यू कवर दिस फाइल थरोली नाउ, आई कैन बेट कि आप मोस्ट ऑफ द एयर फ्लो के जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस के आंसर होंगे ना,
यू विल बी एबल टू आंसर इट रियली वेल, आई कैन बेट ऑन दिस। ठीक है, तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि आपको 95% ऑफ क्वेश्चंस में कुछ दिक्कत आएगी। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन रियली वेल, यू विल बी एबल टू यूज करेक्ट कीवर्ड्स एंड आंसर इट इफेक्टिवली। ठीक है, तो एटलीस्ट टेक माई वर्ड फॉर दिस, जस्ट कवर दिस फाइल थरोली। तो अगर इस फाइल की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से चाहिए ना, एटलीस्ट यू नीड टू गिव 3 रीड्स टू इट। 3 रीडिंग चाहिए इसके लिए। पहले रीडिंग में आपको ज्यादा चीजें समझेंगी नहीं, जो भी बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है वो आपको थोड़े बहुत याद रहेंगे, यू विल अंडरस्टैंड दोज। सेकेंड रीडिंग में ट्राई टू व्हाट डू यू से, रिकलेक्ट व्हाट यू हैव रेड इन फर्स्ट रीडिंग। जो भी याद नहीं आ रहा है उसके बारे में, तो यू कैन एड दैट पॉइंट इन टू योर मेमोरी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो बताइए, कि इस फाइल को रीड करते समय दिस शुड बी अ 2 पर्सन एक्टिविटी। आई वुड से दैट हैज हेल्प मी, क्योंकि ये फाइल काफी बड़ी है। कितने पेजेस है? 22 पेजेस है, और उसमें हर लाइन में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है, राइट? सो काफी बड़ी है फाइल वो, इंक्लूडिंग सिनारियोज एंड ऑल। व्हाट यू कैन डू इज, दो लोग इसको साथ में पढ़ो। ठीक है, व्हाट हैपेंस इज, जब फर्स्ट रीड तो आप अकेले कर लो, सेकेंड रीड में व्हाट हैज माय, आई एम जस्ट टेलिंग व्हाट हैज हेल्प मी। तो हम लोग क्या करते थे, आपको धनंजय पता होगा, हम दोनों साथ में पढ़ते थे। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करते थे कि अल्टरनेट क्वेश्चन को आंसर करेंगे हम लोग। ठीक है, पहला व्हाट इज डैग, अगर मैंने आंसर कर दिया, इफ आई यूज 1 2 कीवर्ड्स, देयर इज थर्ड कीवर्ड दैट इज मिसिंग, ही कैन टेल मी कि ये कीवर्ड मिसिंग है। हम लोग फिर से उसको फिर रिइटरेट करके देखते थे कि यार इसको और अच्छे से ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं इस आंसर को, यूजिंग ऑल दोस 3 कीवर्ड्स। दो तो मैं, मुझे पहले से याद थे, इस रीडिंग में मैंने तीसरा भी ट्राई किया मेमोराइज करने का। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक इट इंटरेस्टिंग। दिस इज वेरी बोरिंग एक्टिविटी इफ यू डू इट अलोन, आई वुड से। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर पढ़ो और खुद से सोच के देखो, अगर दो लोग इन्वॉल्व होते हो इसमें, एटलीस्ट यू कैन मेक इट इंटरेस्टिंग। तो यू हैव टू फाइंड वेज टू मेक सर्टन थिंग्स इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो पढ़ाई मतलब सिर्फ बोरियत से पढ़ना नहीं होता है, यार मैं बैठ गया अकेला और ठीक है जितना दिमाग में जाता है जाने दो। अगर कुछ चीजें बोरिंग लगती है ना, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इट इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटी कर सकते हो आप। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू डू दिस। फर्स्ट, पहला रीड अपने आप से कर लो, दिक्कत नहीं है। दूसरे रीड में एटलीस्ट डू दिस थिंग। ठीक है, तो आप ये जो क्वेश्चन है, व्हाट आर एग्जीक्यूटर्स, सो डिफरेंट एग्जीक्यूटर्स, अगर मैंने अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है डिफरेंट एग्जीक्यूटर्स का, सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यू शुड सर्च फॉर इट, कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिक्वेंशियल एग्जीक्यूटर एंड लोकल एग्जीक्यूटर, लोकल एंसिलरी एग्जीक्यूटर। ठीक है, सैलरी के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, इस नोट्स में से भी पता नहीं चल रहा है, तो आई वॉच वन वीडियो अबाउट इट और उसको एज अ क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर लूंगा। सो दिस इज हाउ यू लर्न। ओके, व्हाट इज हुक, बेस हुक यूज करके देख लिया हमने गेट क्रेडेंशियल करते समय, S3 हुक कैसे यूज करना है देखना चाहिए हमें। ठीक है, तो हुक्स आर यूज टू इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल सिस्टम सच एज डेटाबेस और क्लाउड स्टोरेज। S3 हुक जैसे एग्जाम्पल है, क्लाउड के साथ करोगे। हमने कनेक्शन से डेटा फेच करने के लिए भी हुक यूज किया, AWS कनेक्शन से, कल ही किया ना गेट क्रेडेंशियल्स करके, बराबर? डू यू गाइज रिमेम्बर दैट? यस सर, डू यू वॉन्ट मी टू गो थ्रू दिस फाइल और इज इट टू बोरिंग? आई डोंट नो, गिव मी अ फीडबैक कि शुड आई स्किप दिस पार्ट एंड मूव अहेड और शुड आई गो थ्रू दिस? इफ इट इज नॉट हेल्पिंग देन वी कैन स्किप दिस पार्ट, यू कैन रीड इट। आई नो सबको पढ़ना तो आता ही है, दे हैव देयर ओन स्टाइल, जस्ट आई वॉज कंसर्न कि आपको इसमें से क्या चीजें कैसी पढ़नी है ये पता है, क्योंकि किसी ने पढ़ने का ट्राई नहीं किया। किसी ने ये फाइल पूरी पढ़ी है क्या? मैंने कितने दिन पहले सेंड की है ये फाइल? एनीवन हु कैन से कि मैंने, एटलीस्ट मैं पूछूंगा नहीं क्वेश्चंस कि हाय चिन्मय, हाँ बोलो। यस, आई ट्राइड गोइंग थ्रू दिस फाइल, बट इट करेंटली वी आर गोइंग थ्रू मल्टीपल सिनेरियोस एंड वर्किंग थ्रू मल्टीपल टॉपिक्स एज वेल, सो इट इज बिट कंफ्यूजिंग एंड देयर इज अ लॉट टू कीप इन माइंड राइट नाउ, सो
If I speak for myself, I don't have such good memory to remember all those technical terms. I totally agree with you. दैट इज द थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? टू देखो, आप एक बार पढ़ोगे ना, मैं तो बोलता हूँ इस 22 पेजेस में से 10 वर्ड भी याद रह गए ना, तो बहुत बड़ी बात है. दैट्स वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट. यू हैव टू स्पेयर टाइम एंड डू मल्टीपल रीडिंग्स ऑफ इट. क्योंकि मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि इफ यू कवर दिस फाइल थरोली विथ मल्टीपल रिविजन, यू कैन आंसर एवरी क्वेश्चन ऑफ एयर फ्लो विच इज जनरली आस्क्ड इन डेटा इंजीनियर्स इंटरव्यू, ठीक है? तो एटलीस्ट अगर इस स्टेटमेंट पे आपको एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे यार, किसी को याद नहीं रहता है. मैंने भी ये फाइल एटलीस्ट 3 से 4 बार पढ़ी होगी. पहले रीडिंग में कुछ हम लोग जब बना रहे थे ये नोट्स, तब सर्च करके चैट जीपीटी पे पढ़ के कुछ चीजें समझ में भी नहीं आ रही. तो व्हाट वी डिड इज हमने नोट्स तो बना ली, देयर वर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच वर बिट कंफ्यूजिंग, तो उसके बारे में देख लिया यूट्यूब पे, ठीक है? व्हाट इज सेंसर, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज सेंसर, तो देख लो यूट्यूब पे. तो ये एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी. आई टोटली एम्पथाइज विथ यू गाइज, ठीक है? कि आप अभी आपको आपके पास टाइम नहीं है, यू हैव टू कवर पाइथन, सिक्वल, पाइस्पार्क, AWS की चीजें, स्नोफ्लेक के लेक्चर शुरू है, एयरफ्लो अभी शुरू है. आई टोटली एम्पथाइज विथ यू गाइज, बट आई डोंट हैव एनी सोल्यूशन फॉर इट, ठीक है? आई जस्ट मतलब मैं आपको सिर्फ क्या बोलते हैं यार, कंसोल कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता हूँ. बट यू हैव टू फाइंड अ वे, देर इज नो सोल्यूशन टू इट, देर इज नो शॉर्टकट टू इट. तो मैंने ये अब पहले भी बोली थी चीजें, अगर इफ यू रिमेम्बर दिस थिंग, कि मैंने तब बोला था कि पाइथन, पाइस्पार्क, सिक्वल अभी से रेगुलरली किया करो. आप अगर इसको आखिरी में छोड़ते हो तो आपकी जो आखिरी में चीजें पढ़ाई जाने वाली है उसके लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा. अगर आपकी वो चीजें अभी तक वीक है एंड यू नीड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन इट, देन हुज फॉल्ट इट इज, ठीक है? किसका फॉल्ट है उसमें? अभी वो तो होगा ही. अगर आपका पाइथन, पाइस्पार्क, सिक्वल की रिविजन आपको करने में अभी ज्यादा टाइम लग रहा है, यू विल मिस आउट ऑन एयर फ्लो एंड स्नोफ्लेक, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है. हाउ डू यू नेविगेट दैट, ठीक है? तो देखो, आई डोंट हैव एनी सोल्यूशन टू बी ऑनेस्ट, बट आई वुड से कि ये फाइल अगर आपने कर ली पूरे अच्छे से, तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप आंसर तो कर पाओगे इंटरव्यू में सारे क्वेश्चन. यू विल बी एबल टू हैंडल द सिनारियोज आल्सो, क्योंकि सिनारियोज में भी काफी सारे पॉइंट्स आपको रिपीटेटिवली जो भी यूज हुए है, तो यू आंसर दोज इफेक्टिवली. कोई नया सिनारियो भी पूछ लिया तो वो अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्ट करा देता है, ठीक है? आई विल मूव अहेड. इफ यू हैव एनी डाउट, शुड आई कंटिन्यू विद दिस और स्किप दिस, जस्ट रेज योर हैंड इफ यू वॉन्ट मी टू कंटिन्यू विद दिस, अदरवाइज वी कैन मूव अहेड. ठीक है, दैट इज गुड नंबर, आई कैन प्रोसीड, बट आई वॉन्ट फीडबैक फ्रॉम यू गाइज अभी, ठीक है? चलो मैं किससे पूछूं. देव कृष्णा, यस सर, हाँ, मैं अभी जो भी चीजें बता रहा हूँ ये थियरी रिलेटेड, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, हाउ आर यू एबल टू एनविजन हाउ यू विल स्टडी इट? मतलब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे पढ़ पाओगे, या फिर इसका फायदा नहीं हो रहा है, या फिर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं, समझ में आ रहा है। आ रहा है ना? ठीक है, यस ठीक है. सर, हाँ, तो ये फाइल आपने पढ़ी है इसके पहले कभी? नहीं सर, नहीं अभी। नहीं? तो अभी ना आप पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है? ये फाइल सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, तो ये फाइल एटलीस्ट गो थ्रू 4-5 पेजेस अ डे ना. दूसरे दिन जब एयरफ्लो को लेके बैठते हो तो 4-5 पेजेस पहले रिवाइज कर लो, उसके बाद के 4-5 पेजेस पढ़ लो. तीसरे दिन जब बैठते हो तो पहले 10 पेजेस रिवाइज कर लो. ये तो पता ही है ना कि एक एक रिवीजन के बाद टाइम रिड्यूस हो जाता है रिवीजन का. तो यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी. आपको लग रहा होगा किसी कई लोगों को कि ये तो रटने की चीज है, यार रटने की चीज नहीं है. यू देर आर सर्टेन थिंग्स
कि जिसको आप रिपीटेटिवली करोगे ना तो आपके सिस्टम में बैठ जाए, उसको आप अगर अंडरस्टैंडिंग से याद करते हो तो दैट इज नॉट रोट लर्निंग, ठीक है। रोट लर्निंग किसको बोलते हैं कि हाँ व्हाट इज डैग, हाँ मैंने बता दिया, क्या बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ टास्क विच डिफाइंस ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन एंड डिपेंडेंसीज ऑफ बिटवीन देम। इसको एक्सप्लेन करने बोलो कुछ नहीं समझ में आएगा, इसको बोलते हैं हम लोग रोट लर्निंग। बट इफ यू अंडरस्टैंड समथिंग एंड इफ यू ट्राई टू रेप्लीकेट इट इन योर ओन वर्ड्स, दैट शोज योर अंडरस्टैंडिंग, नॉट योर रोट लर्निंग। तो किसी को अगर लग रहा है ना, तो मैं बहुत कूल हूं, मैं ये सब चीजों के लिए नहीं बनाऊ, बट इफ यू वॉन्ट टू क्रैक इंटरव्यूज यू हैव टू डू दिस थिंग। आई वुड स्ट्रेट फॉरवर्ड सजेस्ट दैट कि अगर आपको लगता है कि आप इंटरव्यू ऐसे ही क्रैक कर लोगे बिना कुछ चीजें याद किए, दैट इज योर मिस्टेक। जस्ट रिमेम्बर माई वर्ड्स, यू विल, जो भी नहीं करेगा उसको उसको 2 महीने बाद याद आएगी ये वर्ड्स, ठीक है। तो यू हैव टू डू सर्टन थिंग्स, देर आर सर्टन इंटरेस्टिंग थिंग्स, देर आर सर्टन बोरिंग थिंग्स दैट यू हैव टू डू। दिस इज वन ऑफ द बोरिंग थिंग्स आई वुड से, बट दिस फाइल विल इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो एग्जीक्यूटर्स, तो ये कर लो, हुक, व्हाट इज हुक एंड ऑल, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग और चाहिए तो इसमें हुक के एग्जाम्पल डाल दो, हुक की डेफिनेशन क्या है एक हाथ, जैसे S3 हुक कैसे लिखते हैं हम लोग, उसमें कौन सी मेथड होती है जिससे फेच करते हैं कुछ चीजें, या फिर बेस हुक के कोई मेथड है क्या, एक तो डाल लो, ठीक है। हाउ डज एयर फ्लो हैंडल डिपेंडेंसीज, कैसे करती है एयर फ्लो हैंडल डिपेंडेंसीज, हाउ डू यू डिफाइन डिपेंडेंसीज इन एयर फ्लो, कोई बता सकता है मुझे, ये चीज तो हमने क्लास में ही ली है। बाय यूजिंग शिफ्ट ऑपरेटर शिफ्ट ऑपरेटर और एक अप्रोच बताया था मैंने, अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, सेट अपस्ट्रीम एंड सेट डाउनस्ट्रीम। हाँ तो ये यस दो सर चीजें हैं, तो यू कैन, यू शुड बी एबल टू आंसर दिस सिंपल क्वेश्चंस राइट विथ एग्जिस्टिंग व्हाट एवर इज बीइंग टॉट इन द क्लास, ठीक है। हाउ एयर फ्लो हैंडल्स रिट्राइज एंड फेलियर्स, ये बताओ मुझे कोई। हमने डैग लिखा है, मैंने एक दिन डैग डिक्टेट भी किया था, राकेश ने टाइप किया था, तो मैंने हर चीज को डिक्टेट किया था, तो एटलीस्ट उसमें रिट्राइज और फेलियर्स कैसे हैंडल कर सकते हैं, कोई बता सकता है मुझे। रिट्राइज का ऑप्शन है डायरेक्ट, कहाँ पे आता है ऑप्शन रिट्राइज का? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में एग्जैक्टली, व्हेन यू क्रिएट अ डैग ऑब्जेक्ट यू पास डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट्स राइट, वेयर यू प्रोवाइड ओनर नेम, मतलब ओनर, स्टार्ट डेट, डैग की स्टार्ट डेट क्या होनी चाहिए, उसके बाद आप देते हो रिट्राइज एंड ऑल। रिट्राइज के बाद आप एक और एक आर्ग्यूमेंट देते हो रिट्राई डिले। तो ये सिनारियो में पूछा जाता है कि हाउ डू यू एंश्योर द डिफरेंस बिटवीन रिट्राइज इज अ पर्ट विद इज अ डिफाइंड टाइम इंटरवल। तो रिट्राई डिले पैरामीटर में आप वो वैल्यू दे देते हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड इच कीवर्ड सो दैट यू कैन विजुअलाइज इट व्हेन अ सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन इज आस्क्ड, ओके। तो ये तो सिनारियो ही हो गया, मतलब अगर आपको कोई बोलता है हाउ डू यू हैंडल रिट्राइज एंड फेलियर्स इन के, तो आप बता सकते हो रिट्राइज और रिट्राइज डिले में हमें कॉन्फिग्रेशन करके ये हैंडल कर सकते हो। इफ द टास्क विल्स एयर फ्लो विल रिट्राइज दिस अकॉर्डिंग टू डिफाइंड रिट्राई डिलेज एंड डिफाइंड नंबर इन माई रिट्राइज, ठीक है। तो ये हो गया, और नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, एयर फ्लो इंटीग्रेट विद अदर सिस्टम। हाँ तो इंटीग्रेशन के लिए अभी देखो हमने ये चीजें देखी है, हुक्स देखा है एक्सटर्नल सिस्टम के साथ, किसके साथ, डेटाबेसेस। हुक हुक क्यों यूज करते हैं हम लोग, व्हाट इज हुक, कनेक्ट विद तो कनेक्ट एक्सटर्नल विद सॉरी एक्सटर्नल सिस्टम। यस, मेकिंग अ कनेक्शन टू एक्सटर्नल सिस्टम, कनेक्शन बीइंग अ कीवर्ड एंड एक्सटर्नल बीइंग अ कीवर्ड राइट। तो कनेक्शंस किसी भी चीज के बनाने हैं तो यू विल क्रिएट अ हुक राइट। तो आप कनेक्शन किस चीज के साथ बनाते हो, एक्सटर्नल सिस्टम्स लाइक क्लाउड, डेटाबेसेस वगैरह, जिस जिसके साथ आपको कनेक्शन बनाने की जरूरत पड़ती है, जैसे ऑन प्रेम सर्वर हो गया, तो उसके लिए भी आप हुक यूज कर सकते हो, बराबर, क्रेडेंशियल्स कहीं पे स्टोर करके। सो दैट्स हाउ यू यू विल आंसर, और प्लगइन्स भी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज टास्क इंस्टेंस, ये तो क्लास में ही बोला था, व्हाट इज टास्क इंस्टेंस, डैग रन टास्क इंस्टेंस बताया था मैंने क्लास में, नहीं बताया था, नहीं बताया था
बताया था ना, तो बताओ आंसर बताओ, मतलब आपके वर्ड्स में क्या हो सकता है? हाँ टास्क विच इज एट रनिंग स्टेट, सॉरी, टास्क विच इज एट रनिंग स्टेट। टास्क विच इज इन रनिंग स्टेट, वो टास्क इंस्टेंस होता है। नो 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 नो, देखो डैग रन, एक डैग अगर स्टार्टेड 1st ऑफ दिसंबर से मैंने स्टार्ट किया, आज 15th ऑफ दिसंबर है, वो कैचअप करेगा, 15 दिन के डैग्स रन करेगा, बराबर। तो ईच डे का डैग इज इट्स डैग रन, अंडरस्टूड? एंड इफ देर आर मल्टीपल टास्क इन योर डैग, तो अगर समझ 15 दिसंबर के लिए मेरा डैग रन हुआ है एंड देर आर मल्टीपल टास्क, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर डैग, जैसे टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, बराबर, जैसे एग्जाम्पल बताया था मैंने, ये यूआई पे दिखाई है मैंने चीज, तो टास्क 1 का जो 15 दिसंबर का रन है उसको बोलते हैं हम लोग उसका टास्क इंस्टेंस। सो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक कितने टास्क 1 के कितने टास्क इंस्टेंस हो गए अभी बताओ? एम आई मेकिंग सेंस? क्या हुआ ये, क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड क्या क्वेश्चन है? ओके, कोई वॉलेंटरीली आंसर नहीं करना चाहिए। 15, सिंपल। व्हाई 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 यू गाइस आर टेकिंग दिस टाइम यार, आप इंटरेस्टेड नहीं हो क्या आंसर करने में, कि ये माइंडसेट में हो? कोई और बता देगा, मैं तो आराम करता हूँ। जस्ट बी प्रोएक्टिव यार, ठीक है। ईच टाइम अ टास्क इज एग्जीक्यूटेड एंड अ न्यू टास्क इंस्टेंस इज क्रिएटेड विच ट्रैक द स्टेटस एंड रिजल्ट्स ऑफ द स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन, ठीक है। ये देखो, टास्क इंस्टेंस रेफर्स टू अकरेंस ऑफ अ स्पेसिफिक टास्क विद इन अ डैग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, ठीक है। इट रिप्रेजेंट स्टेट एंड एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टास्क विद इन द डायग्राम। आपकी जो भी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपको कोई भी चीज डिफाइन करनी है, ठीक है। यू डोंट हैव टू मेमोराइज एवरी पॉइंट, जस्ट यू शुड कम अप विद पॉइंट विच कैन रिफ्लेक्ट योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। हाउ डू यू शेड्यूल अ डैग इन द एयर फ्लो? हाउ डू यू शेड्यूल, कैसे करते हैं हम लोग शेड्यूल, शेड्यूल कैसे प्रोवाइड करते हैं डैग को? ऑन एक्सप्रेशन विद विद द एरर ऑफ ऑन टाइम एक्सप्रेशन, डेटा स्टार्ट ट्रांसलेशन डेट। हाँ, लेकिन पैरामीटर का नाम क्या है वैसे? इंटरवल शेड्यूल शेड्यूल इंटरवल शेड्यूल, इंटरवल उसमें क्या देते हैं हम लोग? प्रॉन्ट ऑफ एक्सप्रेशन, राइट, या फिर डेट यस टाइम के मॉड्यूल भी यूज करके अगर डेली यस वगैरह सर। करना है। हाँ टाइम डेल्टा भी यूज। हाँ, लेकिन जनरली ना आपको अगर ग्रैनुलर ग्रैनुलर लेवल का शेड्यूल देना है तो प्रॉन्ट ऑफ एक्सप्रेशन यूज करते आप, राइट। जैसे every 15 minute of 1 hour ऑफ every Friday, ऐसा कुछ देना है आपको, और only 1 day a week ऐसा कुछ देना है, तो आप व्हाट यू विल डू, यू विल हैव टू यूज प्रॉन्ट ऑफ एक्सप्रेशन। डेट टाइम मॉड्यूल से इसको शेड्यूल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर यस, यस सर चलो। यस सर हाउ डू यू शेड्यूल इज यू हैव ऑलरेडी डिफाइंड, ठीक है। तो व्हाट इज वेब सर्वर? तो ये ऐसे चीजें पढ़ लो कि इट इज इंटरफेस ऑफ मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग एयर फ्लो वर्क फ्लो, ठीक है। तो चीजें ना ऐसी ही पूछी जाएगी, जो इफ यू थिंक कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें पूछी जाती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे, व्हाट इज टास्क इंस्टेंस, डू यू नो व्हाट आर व्हाट डू यू से इंडिकेटिव स्टेट्स क्या है? इंडिकेटिव इंडिकेटिव स्टेट पता है? रनिंग सक्सेस फेल हो गया। एग्जैक्टली, ये आपको पता है, ये क्वेश्चन का आंसर बहुत लोगों को नहीं आता है, बहुत लोगों को नहीं आता है इंडिकेटिव स्टेट का आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो भी आपकी सिंपल चीजें हैं ना, जो भी आपने देखी है यूआई पे, वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एयर फ्लो शेड्यूलर डिफाइन कर लो, क्या है? मैनेजिंग एग्जीक्यूशन ऑफ डैग्स एंड देयर एसोसिएटेड टास्क, ठीक है। व्हाट इज वर्कर? पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क में यूज होते हैं। वर्कर क्या है इन जनरल? बाकी सिस्टम में जो भी वर्कर की यूटिलिटी होती है टू परफॉर्म टास्क, वही इसमें भी है। हाउ टू मॉनिटर परफॉर्मेंस ऑफ अपाचे एयरफ्लो? चलो मैं इसको अच्छे से आंसर कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, आप अगर एयरफ्लो यूआई देखोगे, यू कैन मॉनिटर द टास्क फ्रॉम यूआई ऑल्सो, राइट।
आप उसके लॉग्स देख सकते हो, लेकिन आपके अगर कंपनी में थाउजेंड्स ऑफ टेबल है, ठीक है, विच हैव स्टेबिलाइज्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, दोज आर इन प्रोडक्शन, ठीक है, तो आप कोई एक बंदे को रख सकते हो क्या कि रोज जाके मैन्युअली चेक करे कि इसमें कोई डैग में फेल्योर तो नहीं आ रहा है? दैट इज टू मैन्युअल फॉर समवन, टू मैन्युअल वर्क फॉर समवन टू डू इट, राइट? इट विल कंज्यूम मोर रिसोर्सेस. तो आप, आपके पास एक कोई मैकेनिज्म होना चाहिए मॉनिटरिंग के लिए, सो दैट इट कैन ट्रिगर अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशंस. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं विच रेफर्स टू योर एयर फ्लो यूआई लॉग्स, एंड बेस्ड ऑन योर लॉग सिस्टम लॉग्स जो भी है एयर फ्लो यूआई के, उसके हिसाब से उसका स्टेटस ट्रैक करते हैं और आपको अलर्ट देते हैं, ठीक है. सो सच टूल्स, देर आर सर्टन टूल्स लाइक ग्राफिना, ठीक है. आई ऑल्सो राइट एग्जाम्पल, मेरे इसमें यूज होता है डेटा डॉग. डेटा डॉग करके टूल है, हम लोग यूज करते हैं उसको. जैसे एक ग्राफिना है, ग्राफिना का पीओसी हमने किया था पहले, मैं ज्वाइन होने से पहले. ग्राफिना हमारी सिस्टम के लिए इतना यूजफुल नहीं लगा, इसलिए हम लोग वी हैव मूव टू डेटाडॉग, ठीक है. तो लेकिन ग्राफिना इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर मॉनिटरिंग टूल. तो इसका मॉनिटरिंग कैसे होता है? देर आर लाइक व्हाट डू यू से, एक कॉन्सेप्ट से कि स्टैट्स डी करके एक्सपोर्टर है, स्टैट्स डी एक्सपोर्टर है जो आपके लॉग्स एक्सपोर्ट करता है प्रोम्यूथस को. यस, है ना. और ये लॉग्स यूज होते हैं आपकी ग्राफिना, ठीक है. ग्राफिना एक कुछ नहीं है, एक नॉर्मल जैसे आपके विजुअलाइजेशन टूल्स वगैरह होते हैं ना, जिसमें आप डैशबोर्ड्स बनाते हो, या फिर कोई भी व्हाट डू यू से, डैशबोर्ड्स और क्या होते हैं, मैट्रिक्सेस बनाते हो, तो वैसे टाइप का ही सिस्टम है. यूजिंग दिस लॉग्स विच आर कमिंग फ्रॉम एयर फ्लो यू आई, एयर फ्लो यू आई लॉग्स. एयर फ्लो यू आई लॉग्स में क्या रहेगा? आपके डैग्स का ये रहेगा, राइट? आपके डैग्स की इंफॉर्मेशन रहेगी उसमें, या आपका डैग फेल हुआ है या पास हुआ है, ये सब चीजें रहेंगी हर एक डैग के लिए. तो वो यू आई लॉग्स लेके स्टैट्स डी एक्सपोर्टर प्रोमिथियस डेटाबेस को सेंड करता है. यूजिंग दिस डेटाबेस का डेटा ग्राफेना शोज यू मैट्रिक्सेस, डैशबोर्ड्स, और एंड ऑल्सो हेल्प्स यू टू क्रिएट डिफरेंट अलर्ट्स एज वेल एज नोटिफिकेशन. तो अलर्ट्स नोटिफिकेशन क्या हो सकते हैं? ईमेल पे हो सकता है, आपके स्लैक पे हो सकता है, टीम्स पे हो सकता है. टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स वगैरह पता है आपको? यस पता है, राइट? हाँ, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, जैसे स्लैक भी यूज होता है, ठीक है. तो स्लैक एक मतलब वही है, कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए एक कमर्शियल चैनल है, ठीक है. तो आप उस पे ये ट्रिगर कर सकते हो अलर्ट्स, ठीक है. नॉट जस्ट ग्राफिना, डेटा डॉग ऑल्सो वर्क इन सिमिलर वे. डेटा डॉग में आई डोंट थिंक सो प्रोमेथस का कोई रोल है, डेटा डॉग का खुद का इंटरनल सर्वर का स्टोरेज है, तो स्टैट्स डी एक्सपोर्ट करके डेटा डॉग में डायरेक्ट डाल देते हैं, ठीक है. आपको ये चीज समझ में आई क्या? आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन अदरवाइज. हाउ डू यू मॉनिटर परफॉर्मेंस ऑफ अपाची इसको? कितने लोगों को समझ में आई है? तो आप ना, अगर समझ में आई भी है ना आपको, तो भी ना इसको जाके लेक्चर खत्म होने के बाद खुद से डिग इन करो. यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली. अगर वीडियो वगैरह देखते हो ना, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. सिर्फ 19 लोग को समझ में आया. इफ यू वॉन्ट मी टू रिपीट, देयर इज डिस्टर्बेंस.
So I was asking, do you want me to repeat this one more time, what I'm trying to say? क्योंकि इतने कम लोगों को समझ में आए इसीलिए बोल रहा हूं मैं. अरे बोलो, जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया है वो बोलो. इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन आई कैन. ठीक है, किसी को जरूरत नहीं है तो आई कैन. हाँ बोलो. सर रिपीट करना है, रिपीट हाँ करना सर। ठीक है, चलेगा. ओके, आप बता सकते हो मुझे कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, व्हाट यू हैवंट अंडरस्टूड, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन दैट पॉइंट. बता सकते हो कोई पॉइंट जो नहीं समझ में आया या फिर पूरा फ्लो ही नहीं समझ में आया? ओके सर चलो, फ्लो ठीक नहीं, फ्लो नहीं आया था। है चलो. तो मैंने मैंने क्या बोला अभी कि आपका एयर फ्लो, जब भी आप अपने टैग्स डालोगे, एयर फ्लो में ऑप्शन है टू मॉनिटर, राइट? बट एयर फ्लो डजंट हैव ऑप्शंस विच कैन क्रिएट अलर्ट्स एंड ऑल, बराबर? तो अलर्ट्स वगैरह क्यों? क्योंकि आप एक कोई पर्सन को बिठा के एयर फ्लो यूआई देखने के लिए रख नहीं सकते हो फॉर थाउजेंड्स ऑफ टैग्स. ठीक है, थाउजेंड्स नहीं, हंड्रेड एटलीस्ट. ठीक है, इफ यू हैव मेनी टेबल्स, तो हंड्रेड्स ऑफ टैग्स के लिए आप किसी को मैन्युअली बिठा के रख नहीं सकते हो, राइट? तो व्हाट यू कैन डू इज, एयर फ्लो में कोई एयर फ्लो यूआई में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है अलर्ट ट्रिगर करने का. ठीक है, यू कैन राइट पाइथन फंक्शंस विच कैन ट्रिगर अलर्ट बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ टास्क, दैट इज ऑल्सो देयर. ठीक है, लेकिन यू जस्ट डोंट वॉन्ट टू क्रिएट अलर्ट, बट यू वॉन्ट परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, यू वॉन्ट इवेंट डैशबोर्ड विच कैन लॉग गिव द डिटेल्स अबाउट ऑन अ पर्टिकुलर डैशबोर्ड, कैन गिव द डिटेल्स अबाउट फेल्ड हिस्ट्री ऑफ टैग एंड ऑल. तो उसके लिए ना देर आर एक्सटर्नल टूल्स, ठीक है, लाइक डेटा डॉग एंड ग्राफेना. तो ये टूल्स कैसे वर्क करते हैं ये मैंने यहाँ पे समझाया है. ठीक है, मैं मुझे समझाने का मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि इट यूजेस एयर फ्लो यू आई लॉग्स टू क्रिएट क्रिएट डैशबोर्ड्स, मैट्रिक्स एंड अलर्ट्स है. ठीक है, तो यही इसी लॉग्स को यूज करके आपके ये जो टूल्स है, आपका डैशबोर्ड, मैट्रिक्स एंड अलर्ट्स विच इज यूज फॉर मॉनिटरिंग, जो भी मॉनिटर करने के लिए ये सब चीजें यूज होती है, इसी का यूज करके ये बनाते हैं. ठीक है, तो कैसे बनाते हैं? तो ये स्टैट्स डी एक्सपोर्टर करके एक मॉड्यूल है. तो स्टैट्स डी एक्सपोर्टर को यूज करके प्रोमिथियस नाम का एक डेटाबेस है. यू डोंट हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग इन वेरी मच डिटेल. तो आपको अगर इतना भी पता है कि डेटाडॉग और ग्राफेना यूज करते थे आप, तो दैट इज सफिशियंट. ठीक है, आपको एक चूज करना है, डेटाडॉग करते थे या ग्राफेना करते थे, तो दैट इज सफिशियंट. जस्ट जो भी यूज कर रहे हो ना उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लो. ठीक है, तो प्रोमिथस से आपका ग्राफेना सोर्स करता है आपकी डिटेल्स ऑफ योर एयर फ्लो लॉग्स. तो ये यहाँ पे आपके पास मैकेनिज्म है फिर डैशबोर्ड बनाने का, मेट्रिक्स बनाने का, और कोई भी अलर्ट ट्रिगर करने का, नोटिफिकेशन ट्रिगर करने का, ये सारे ऑप्शन है. अभी समझ में आया? अभी कितने लोगों को समझ में आया? ठीक है, दैट इज अ गुड नंबर, वी कैन गो अहेड, वी डोंट हैव टाइम. मेरा तो ऑब्जेक्टिव है कि आज मैं ये सब खत्म कर ही लूं. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डैग एंड अ पाइपलाइन, यू शुड रीड दिस हेलो, टाइप ऑफ क्वेश्चन. हाँ बोलो. सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। सर वो वहाँ पे डिफॉल्ट आर्गुमेंट में दो अर्ग्स होते हैं, लाइक ईमेल ऑन फेल्योर एंड ईमेल ऑन रिट्राई। तो हाँ वहाँ यस यस, पे उसे सेट कर सकते हैं क्या हम, कर मतलब सकते हो, कर एज सकते हो. अलर्ट की? ओके हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, बट okay. वही बोल रहा हूँ मैं. तो आप अपने फंक्शंस भी लिख सकते हो, ठीक है, अलर्ट ट्रिगर करने के लिए, एयर फ्लो यूआई लॉग्स पढ़ के. ठीक है, दैट इज नॉट वेरी मच बिग डील. लेकिन अलर्ट्स में सिर्फ वो फेल हुआ है इतने ही अलर्ट नहीं चाहिए. यू वांट डिटेल लॉग्स विच कैन बी फ्रॉम डिफरेंट सिस्टम. लाइक अगर आपका आपका अगर डैग है, इट
इट इज इंटरेक्टिंग अमॉन्ग डिफरेंट सिस्टम्स, ठीक है। तो आप उसमें जो भी ईमेल का अलर्ट है उसमें सारे के सारे डॉट लॉग्स की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। जैसे आई विल गिव एन एग्जांपल, ठीक है। मेरे केस में क्या है, मेरा बेस एनवायरनमेंट है एयर फ्लो विच इज पाइथन, राइट। और मेरा जो प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट है फॉर माय डेटा प्रोसेसिंग, इट इज ईएमआर, दैट इज स्पार्क एनवायरनमेंट, राइट। तो एयर फ्लो से ईएमआर बाहर है, राइट। तो एयर फ्लो डजंट हैव कंट्रोल योर दोज लॉग्स। तो वॉट आई वॉन्ट इज, आई वॉन्ट अ एक्सटर्नल सिस्टम वेयर यूजिंग माई एक्सेप्शनल हैंडलिंग मैकेनिज्म आई कैन पुश माई मेट्रिक्स टू दैट एक्सटर्नल सिस्टम। तो हमारे इसमें ना डेटाडॉग कॉन्फिगर्ड है, तो हमने क्या किया है, एक मॉड्यूल बना लिया है, ठीक है। तो उसमें देर आर डिफरेंट मेथड्स टू पुश इवेंट्स टू डेटाडॉग और टू पुश मेट्रिक्स टू डेटाडॉग। वॉट वी डू इज, जब भी हमें कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमें कोई एरर मिलता है ना, तो हमारे इसमें एक मेथड है DD underscore track events करके कुछ मेथड है। तो उसमें हम लोग हमारे डिटेल्स दे देते हैं कि जो एरर वहां पे डिटेक्ट हुआ है ना, तो उसको हम लोग एज अ मैसेज इवेंट डैशबोर्ड पे पुश करते हैं। व्हाट हैपेंस इज, तो उसमें हम लोग डैक के आईडी, मतलब डैक का नाम प्लस डैक के बाकी डिटेल्स, कौन सी बैच प्रोसेस हुए होते हुए वो इशू आया, ये सारे डिटेल्स हम लोग डेटाडॉग पे पुश करते हैं। सो दैट जब हम लोग बैक ट्रैक कर रहे हैं चीजों को, जब डिबग करना है, तो आई हैव सफिशियंट इंफॉर्मेशन, आई डोंट हैव टू गो थ्रू ऑल डैग इंस्टेंसेस फॉर दैट, बराबर। सो दैट इज द यूटिलिटी दैट दिस एक्सटर्नल सिस्टम्स हैव। आई एम नॉट सेइंग दैट यू कैन नॉट यूज एयरफ्लो यूआई फॉर मॉनिटरिंग। मेनी ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट इंटीग्रेट दिस एक्सटर्नल सिस्टम, ठीक है। अगर जिनके यहाँ पे डैग्स कम है, दे हैव बिग लार्ज टेबल्स बट लेस नंबर ऑफ टेबल्स, तो उनको ये इंटीग्रेशन करना ज्यादा हेवियर हो जाएगा, ठीक है। तो दे कैन मॉनिटर इट यूजिंग व्हाट यू हैव सेड, बट जहां पे समझो 500-500 1000-1000 टेबल्स है कोई ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनके लिए दिस इज द बेटर ऑप्शन। कि और ईमेल ट्रिगर करोगे ना, तो आपको सिर्फ वहां मतलब चैनल पे भी ट्रिगर कर सकते हो आप वैसे, लेकिन दिस इज दिस गिव्स मोर विजुअल एज वेल एज फेल्यूर रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो आपका अगर डैक का परफॉर्मेंस है तो आप डेटाडॉग में ही देख सकते हो, आपके डैक के इवेंट्स है अगर वो फेल होता है तो उसके डिटेल्स भी आप डेटाडॉग में ही देख सकते हो। तो एक जगह पे आपका पूरा मॉनिटरिंग का सिस्टम आ जाता है, इतना ही है, ठीक है। समझ में आया, डिड आई एड्रेस? We'll go to next point. How do you handle errors in Airflow DAG? How do you handle errors? यहाँ पे लिखा ही है मैंने वैसे, तो मतलब if you have any more points to add, you can do that. कि retry mechanism enable करते हो, तो देखो एक बात समझ लो, there are certain things to understand. Retries क्यों enable करते हैं? Retries से हमारे code related issue resolve होगे क्या? No. No. तो रिट्राइज से हम लोग कौन से टाइप के एरर हैंडल करना चाहते हैं? कैन यू रिपीट? कनेक्शन और नेटवर्क, एग्जैक्टली, सिस्टम एरर्स, यू कॉल देम सिस्टम एरर्स, राइट। अगर आपकी एयरफ्लो एनवायरनमेंट का कोई इशू है, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मेरा शेड्यूलर बंद पड़ गया था, उसकी वजह से मेरा एक डैग फेल हो रहा था, राइट। उस दिन दिखाया था ना मैंने, सर डू यू गाइज रिमेम्बर इट? यस सर। हाँ, तो वो क्या होगा, सिस्टम एरर्स अगर रहेंगे, मेरे एनवायरनमेंट के इश्यूज रहेंगे, मेरे कोई कनेक्शन का इशू रहेगा, तो रिट्राइज में व्हाट हैपेंस इज इट कैन गेट रिकनेक्टेड एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट विल सक्सीड इन सेकंड और थर्ड ट्राई। बट डज योर रिट्राइज सॉल्व योर कोड रिलेटेड एरर्स? मल्टीपल रिट्राइज आपके कोड रिलेटेड एरर्स को सॉल्व करेंगे क्या? नो सर, नो, राइट। सो दीज आर द थिंग्स नो यू नीड टू थिंक अबाउट, ठीक है। अगर आपने रिट्राइज ऐसे नंब मतलब क्या बोलते हो, बिना सोचे कोई भी पॉइंट्स मत करो, जस्ट
become a thinking person, what type of errors this retries will solve. ठीक है, अभी आप अलर्ट्स और नोटिफिकेशन किसके लिए सेट कर सकते हो? अलर्ट्स नोटिफिकेशन मैंने जब अभी ऊपर समझाया, तो ये कौन से टाइप के एरर्स के लिए आप ये करोगे, कॉन्फिगर करोगे? रिलेटेड रिलेटेड टू कोड कोड, जस्ट कोड, नॉट सिस्टम? यू कैन से इट नॉट सिस्टम आल्सो बट एग्जैक्टली, यू कैन, यू विल कॉन्फिगर अलर्ट्स फॉर बोथ सिस्टम एरर्स एज वेल एज योर कोड एरर्स. क्योंकि समझो, मुझे अलर्ट तो इसका भी चाहिए ना कि रात को 3 बजे मेरा अगर एयरफ्लो एनवायरनमेंट प्रोडक्शन में बंद पड़ता है तो इट शुड ट्रिगर अ हाई प्रायोरिटी अलर्ट, राइट? तो हम लोग जब भी डैशबोर्ड या फिर अलर्ट्स बनाते हैं तो वी डिफरेंटली क्रिएट अलर्ट्स फॉर डैग्स एंड ऑल, बट फॉर सिस्टम लाइक फॉर योर एनवायरमेंट हम लोग उसके भी एरर ट्रैक करने के लिए अलग से अलर्टिंग मैकेनिज्म दिखते हैं. ठीक है, सो आपको, यू डोंट नीड टू गो इनटू हाउ डेटाडॉग वर्क्स एंड ऑल और हाउ ग्राफेना वर्क्स एंड ऑल. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ एक्सटर्नल सिस्टम्स हेल्प्स यू टू टैकल विद दिस थिंग्स. ठीक है, आपको एटलीस्ट इस कॉन्वर्सेशन में से ये तो समझ में आ गया कि देर आर सिस्टम एरर्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड देर आर डिफरेंट एरर्स विच आर रिलेटेड टू कोड्स. इतनी तो एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग आ गई इससे. यस सर. ठीक है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या है, कस्टम एरर हैंडलिंग फंक्शन. तो ये किस टाइप के एरर हैंडल करने के लिए यूज करोगे आप? जस्ट थिंक, आंसर, जो डोंट हेसिटेट. एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म कहाँ पे लिखते हो? कोड्स, कोड रिलेटेड. एग्जैक्टली, कोड रिलेटेड एरर्स कैच करने के लिए करोगे. सिस्टम तो आपका एनवायरमेंट के लॉक से देखना पड़ेगा ना, तो आप उसमें तो एरर हैंडलिंग नहीं कर सकते एनवायरमेंटल एरर के लिए. यू कैन से हाँ, मतलब अगर कनेक्शंस वगैरह के इशू है वो भी आप कोड में ही तो हैंडल करोगे ना, तो उसको कोड एरर ही बोलोगे आप. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इज, डिड यू गाइड अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल एरर्स इन एयरफ्लो डैग? यस सर. चलो, तो बैश ऑपरेटर, पाइथन ऑपरेटर, मैं बेसिक चीजें छोड़ रहा हूँ. यू कैन, वॉट एवर यू कैन रीड, आई एम लिविंग दिस थिंग्स अप टू यू. ठीक है, वॉट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर डेवलपिंग एंड मैनेजिंग एयरफ्लो वर्क्स? ठीक है, तो क्या होता है, बेसिक हम लोग देख लेते हैं. राइटिंग मॉड्यूलर रीयूजेबल कोड, डिफाइनिंग क्लियर एंड कंसाइज टास्क नेम्स. ठीक है, मॉड्यूलर मतलब क्रिएटिंग डिफरेंट मॉड्यूल्स, रीयूजेबल मॉड्यूल्स, रीयूजेबल फंक्शंस, सो दैट यू कैन यूज इट इन मल्टीपल डैग्स. अगर समझो कोई सिंपल चीज कर रहे हो आप, लाइक व्हाट डू यू से, लाइक क्रिएशन ऑफ डैग नेम, मतलब बहुत से सिस्टम्स होती है हमारे, इसमें हम लोग डैग नेम क्रिएट करते हैं, तो बेस्ड ऑन टेबल, सोर्स टेबल नेम, बेस्ड ऑन प्रोसेस नेम, कि कौन सी प्रोसेस हो रही है उसके हिसाब से हम लोग डैग नेम बिल्ड करते हैं. तो फॉर दैट, अगर मेरे 500 डैग है मेरे इसमें, तो ये रीयूजेबल मॉड्यूल हो गया मेरा, कि हर एक के लिए तो डैग नेम क्रिएट करना ही है. तो वॉट आई कैन डू इज, आई कैन राइट अ फंक्शन और आई कैन राइट अ मॉड्यूल फॉर इट एंड इम्पोर्ट इट इन एवरी every DAG, every template. ठीक है, तो ऐसे टाइप की जो भी चीजें है, यू शुड मेक इट मॉड्यूलर एंड रीयूजेबल. ऑल्सो सेकेंड पॉइंट इज डिफाइनिंग क्लियर एंड कंसाइज टास्क नेम. तो आपको तो ये तो पता ही है कि फंक्शन जब लिखते हो कोई, तो उसको मीनिंग होना चाहिए कि इट शुड रिफ्लेक्ट वॉट एवर बींग परफॉर्म इन दैट फंक्शन, राइट? ये तो आपका नॉर्मल पिपेट स्टैंडर्ड है, बराबर? हाँ या ना? पेपेट स्टैंडर्ड्स पता है हमें? यस सर. यस, पेपेट स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ लो. एटलीस्ट यू शुड हैव 4-5 पॉइंट्स टू टेल कि एज अ डेवलपर वर यू कंप्लाइंग टू पेपेट स्टैंडर्ड्स. तो एटलीस्ट यू शुड हैव आंसर टू इट. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये ऑफबीट क्वेश्चन से, कि आपने काम किया है या नहीं, ये रिफ्लेक्ट करता है. तो आपको एटलीस्ट 4-5 पेपेट स्टैंडर्ड पता होने चाहिए. ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ देम, कि क्या बोलते हो, मीनिंगफुल नेम्स टू योर वेरिएबल, फंक्शंस, इन दिस केस टास्क, बराबर, तो देना है आपको. ठीक है, डॉक्यूमेंटिंग डैग्स एंड टास्क,
and testing workflow thoroughly before deploying. This is a very basic thing. Of course, हम लोग बिना thoroughly test किए deploy नहीं करते, ठीक है? It is also important to set up proper monitoring and alerting. ये देखो, ये भी point है. Monitoring and alerting setup करना बहुत जरूरी है. तो हमने monitoring alerting कैसे setup करना है, ये हमें पता है at least. What are different systems that are used, like Datadog and Grafana. And ये भी बोलो, if you don't want to study about this, no, you can say कि मेरे organization में हम लोग Airflow UI से ही monitoring करते थे. You can say that there is no issue with it. ठीक है? क्योंकि many organization do use Airflow UI, only Airflow UI to monitor it. ठीक है? डिफरेंस बिटवीन लोकल सिलरी ये कर लोगे आप. सब डैग ये कॉन्सेप्ट डेप्रिकेट हो गया है 2.0 के बाद. एंड ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली आर यूजिंग एयरफ्लो वर्जन आफ्टर 2. मेरे यहाँ पे 2.4 पॉइंट ऐसा कुछ यूज हो रहा है, 2.4.2 आई गेस. सेकेंड और एक, हाँ, वॉट इज द पर्पज ऑफ वेरिएबल, ये हमने क्लास में देखा है. तो वॉट यू कैन स्टोर, हाउ यू कैन रीयूज, ये आपको पता होना चाहिए. क्रिएटिंग अ कनेक्शन, ओके, कनेक्शन क्यों क्रिएट करते हैं हम लोग, टू स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट और क्रेडेंशियल्स अबाउट एक्सटर्नल सिस्टम. जैसे हमने AWS का कनेक्शन बनाया, उसको हुक से हमने अपने कोड में एक्सेस किया, तो कनेक्शन इज स्टोरिंग योर एक्सेस की आईडी एंड सीक्रेट एक्सेस की आईडी, राइट? इट इज स्टोरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सटर्नल सिस्टम, दैट इज AWS क्लाउड इन दैट केस. तो यही है, कनेक्शन को डिफाइन करोगे तो उसको याद रख लेना बस. दिस थिंग वी हैव डन, ट्रिगर डायग्राम ऑपरेटर, हाउ इट हेल्प. ट्रिगर डायग्राम ऑपरेटर क्या हेल्प करता है हमारी, कोई बता सकता है मुझे? किसी का ध्यान है क्लास में? हम जल्दी से खत्म करेंगे, ठीक है? शुभम बता सकते हो आप? अलसुंडे, यस सर. हाँ बोल बोलो. फॉर एग्जांपल, एक टैग, एक डायग्राम चालू है आणि परत दुसरा टॅग त्याच्यामध्ये चालू करायचा, डायग्राम ऑपरेट ऑपरेशन. तर मग ओके, तब उस केस में तो ट्रिगर डायग्राम ऑपरेटर कब ट्रिगर करता है कि जो भी पैरेंट डैग है, जो भी डिपेंडेंट डैग है, उसको कब ट्रिगर करता है? पैरेंट डैग खत्म होने के बाद ट्रिगर करता है या फिर वो पैरेंट डैग शुरू रहता है तभी ट्रिगर कर देता है? नहीं सर, तो पैरेंट डैग एंड झाल्यानंतर ते दुसरा ट्रिगर करणार. ओके, ठीक ठीक है. ठीक है, चलो बराबर बोल रहे हो आप. ठीक है, तो वो बोल रहे हैं, ठीक है, शुभम बोलना चाहता है कि जब भी आपको दो अलग अलग डैग्स है एंड देयर आर डिपेंडेंट टास्क इनसाइड इट, ठीक है, देयर आर टू डिपेंडेंट टास्क इन टू डिफरेंट डैग्स, एंड इफ आई वांट टू सेट दैट डिपेंडेंसी एज पर, मतलब इन दैट ऑर्डर, तो यू कैन यूज ट्रिगर डायग्राम ऑपरेटर टू कॉल अ टास्क इन सेकेंड डैग फ्रॉम फर्स्ट डैग. दैट इज वॉट इज ट्राइंग टू से, ठीक है, चलो. सो यही आपको इंटरव्यू पे यही चीजें बतानी है. सिर्फ आपको प्रिपेयर कौन सी चीज करनी होती है, वॉट वॉज द सिनारियो वेयर यू रिक्वायर्ड टू यूज दिस. तो उसके लिए आप जो भी आपका फ्लो डिफाइन कर रहे हो ना, तो उसमें ये चीजों के बारे में सोचो, ठीक है. यू डोंट हैव टू इम्प्लीमेंट एवरीथिंग, इट इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट यू कैन थिंक, इमेजिन करो कि मैंने मेरे प्रोजेक्ट में मैंने ऐसे ऐसे किया था, एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए, ठीक है. हाउ टू मैनेज सीक्रेट्स एंड सेंसिटिव डेटा, हाँ, तो एग्जाम्पल है वॉल्ट और सीक्रेट मैनेजर. इफ यू डोंट वॉन्ट टू यूज दैट, यू कैन यूज कनेक्शन एंड ऑल ऑल्सो, ठीक है. XCOM, तो XCOM, चलो, मैंने XCOM क्लास में ऐसे बताया नहीं यार, शुड हैव, ठीक है. लेकिन XCOM के बारे में किसी ने देखा? व्हाट आर XCOM? इज यूज टू स्टोर द वैल्यू, स्टोर द वैल्यू, सो दैट टू, सो दैट वी कैन टेक द डेटा फ्रॉम वन टास्क टू अनदर टास्क. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अगर आपका टास्क वन, टास्क टू, टास्क थ्री है, तो आपको टास्क वन में कोई आपने कंप्यूटेशन किया, एक वेरिएबल है, यू वॉन्ट टू यूज दैट वेरिएबल, कॉम्प्यूटेड वेरिएबल इन द सेकेंड टास्क, ठीक है. तो वॉट यू कैन डू इज यू कैन डू XCOM पुश फ्रॉम फर्स्ट टास्क
एंड डू द एक्सकॉम पुल इन सेकेंड टास्क टू फिच दैट वेरिएबल. ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा मेरी तरफ से, मतलब समझो मैंने कवर नहीं की ये चीज, लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा एफर्ट डाल के एटलीस्ट थोड़ा बहुत पढ़ लो एक्सकॉम के बारे में. आई कैन एक्सकॉम इन एयरफ्लो डेमो. हाँ देखो, दिख रहा है स्क्रीन, दिख रही है ना मेरी? यस सर. ठीक है चलो मैं दिखाई देता हूँ अभी. एज सच कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है टू बी ऑनेस्ट, तो इसीलिए मैंने इतना, आई शुड हैव कवर्ड इट. आई पुट दिस कोड इन योर दिस थिंग इन योर फाइल. ठीक है, तो लोग इसको इसमें देख लेते हैं. यहाँ पे थोड़ा अच्छा दिखेगा. हाँ तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पुश, एक पुश डेटा फंक्शन है. यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो भी, हाँ ये जो भी की टीआई मतलब टास्क इंस्टेंस होता है, तो उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सकॉम पुश यूजिंग एक की है आपकी एंड वैल्यू है. तो वैल्यू क्या रहेगी, आपका ये वेरिएबल है जो आपको पुश करना है. व्हाई यू आर यूजिंग, या ये की क्यों है, दिस विल बी रेफरेंस व्हेन यू विल पुल दिस एक्सकॉम इन योर नेक्स्ट टास्क. इन जनरल कोई भी वेरिएबल के लिए एक वेरिएबल नेम और उसकी वैल्यू रहती है, राइट? यूजिंग वेरिएबल नेम यू पुल द वैल्यू, राइट? तो सेम हम लोग एक्सकॉम पुश जब कर रहे हैं, तो एक कोई भी उसको की का नाम दे रहे हैं एंड पुटिंग दैट वैल्यू इन टू इट. ठीक है, तो उसको अभी हम लोग पुल कैसे कर रहे हैं, इसमें देखो, पुल्ड वैल्यू विल बी दिस टास्क इंस्टेंस डॉट. टास्क इंस्टेंस क्या है आपका, ये जो डिफाइन किया है आपने, कीवर्ड्स ऑफ टीआई, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ टीआई. ठीक है, तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ टीआई डॉट एक्सकॉम पुल कर रहे हैं हम लोग फॉर दैट की. जब एक्सकॉम पुल करेंगे फॉर दैट की, दिस वेरिएबल विल हैव दिस वैल्यू. समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस सर. ठीक है, सिंपल है ये. यू कैन इम्प्लीमेंट दिस समवेयर वेयर एवर यू रिक्वायर इट. ठीक है, तो इसको आप थोड़ा समझ लो. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एक्सकॉम कॉन्सेप्ट, नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, तो इतनी ही चीजें समझनी है. तो यहाँ पे हम लोग वही किया है, उन्होंने डिपेंडेंसी बनाई है बस, और कुछ नहीं. जस्ट ये वेरिएबल हम लोग इसमें यूज करेंगे. ठीक है, चलो दैट्स इट. वही है एक्सकॉम, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड. नहीं हो रहा है. ओके, सो इट कैन बी यूज टू पास इंफॉर्मेशन सच एज आउटपुट और स्टेटस फ्रॉम वन टास्क टू अदर. ठीक है, हाउ डू यू टेस्ट एन एयरफ्लो डैग? इरेलीवेंट है ये क्वेश्चन, इरेलीवेंट है. ठीक है, नेक्स्ट मैंने पढ़े भी नहीं है शायद ये वाला. हाउ डू यू अपग्रेड एयरफ्लो टू अ न्यू वर्जन? आई डोंट थिंक सो वेरी मच रेलेवेंट फॉर यू. ठीक है, व्हाट इज एयरफ्लो कम्युनिटी एंड हाउ यू कैन गेट इन्वॉल्व्ड इन? देख लो, ये पढ़ लो क्या है. एयरफ्लो के इश्यूज अगर आते हैं तो कहाँ से ये करते हो, सर्च करते हो, वो सब ऐसे कोई पूछता नहीं है जनरली, या सबको पता है, या स्टैक यूज करते हो या फिर और कोई चैनल्स होंगे कम्युनिटी रिलेटेड, एयरफ्लो कम्युनिटी उनकी ऑफिशियल कम्युनिटी होगी, वहां पे देखते हो. ऐसे कोई सवाल पूछता नहीं है, हमने डाल दिया होगा, चैट जीपीटी ने दिया है सवाल को. ठीक है, हाउ डू यू हैंडल डिपेंडेंसीज बिटवीन टास्क? आपको ब्रांच पाइथन ऑपरेटर बताया था मैंने, बताया था ना? यस यस. डिपेंडेंसी बिटवीन टास्क तो उसी से कर सकते हो ना आप?
ब्रांच पाइथन ऑपरेटर से कंडीशनल डिपेंडेंसीज ब्रांच पाइथन ऑपरेटर यूज करके कर सकते हो, राइट? ये तो नॉर्मल डिपेंडेंसी तो शिफ्ट ऑपरेटर और इससे हो जाएंगे बराबर, लेकिन अगर कंडीशनल डिपेंडेंसी टू क्रिएट कंडीशनल वर्कफ्लो लाइक ब्रांच पाइथन ऑपरेटर क्या करेगा कि आपका एक टास्क है टास्क वन, उसके हिसाब से आइदर आई वॉन्ट इफ इट गेट इफ सर्टन थिंग्स हैपन्स आई वॉन्ट टू ट्रिगर टास्क टू, अदरवाइज आई वॉन्ट टू ट्रिगर टास्क थ्री, तो उसमें कंडीशनल वर्क फ्लो डिपेंडेंसी है राइट, तो उसके लिए आप ब्रांच पाइथन ऑपरेटर वगैरह यूज कर सकते हो। और एक क्या है हैंडलिंग डिपेंडेंसी, अभी जो हमने बात की ट्रिगर डायग्राम ऑपरेटर की, दूसरे डायरेक्टली दूसरे डायग में भेजना है हमें उसको, तो हम लोग वो भी एक डिपेंडेंसी का टाइप ही हो गया ना, तो यू हैव टू मतलब एटलीस्ट यूज थ्री डिफरेंट पॉइंट्स टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये हो गया शिफ्ट ऑपरेटर और सेटअप स्ट्रीम शिफ्ट डाउन स्ट्रीम एक पॉइंट हो गया, ब्रांच ऑपरेटर एक पॉइंट हो गया और ट्रिगर डायग्राम ऑपरेटर एक पॉइंट हो गया, ठीक है? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यहाँ पे एक्सटर्नल टास्क सेंसर यूज कर सकते हो? यस यस बिल्कुल बिल्कुल, और फर्स्ट पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, देर आर मेनी वेज टू डिफाइन डिपेंडेंसीज राइट। एक्सटर्नल टास्क सेंसर कैसे एक्सप्लेन करो मुझे? Like task from the another DAG will be when the task will get monitored, executed. Right? Depending on that, you will trigger tasking. Yes, you can. Yes. You can say that you are handling dependency. That yes, absolutely. Airflow DAG, कुछ नहीं है, collection of DAG रहता ही है. Purpose of airflow context. ये चीजें देख लो आप अपनी तरफ से. मैं ऐसी चीजें बता रहा हूँ जिसको explanation चाहिए. डिपेंडेंसी बिटवीन टू टास्क, ये तो यार बहुत कॉमन सेंस है, इतनी बार देख लिया हमने. एयर फ्लो सेंसर रिपीट हो रहा है, एयर फ्लो एपीआई देख लो. डायनामिक टैग, डायनामिक टैग का कॉन्सेप्ट क्या है ये पढ़ लेना. डायनामिक टैग क्रिएटेड यूजिंग एयर फ्लो पाइथन ऑपरेटर विच अलाउज यू टू डिफाइन पाइथन फंक्शन दैट जनरेट टैग्स एंड टास्क डायनामिकली बेस्ड ऑन इनपुट और अदर कंडीशन. डायनामिक टैग का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? हमारे यहाँ पे ना अभी बता देता हूँ, ठीक है? हमारे यहाँ पे ना डैग क्रिएट नहीं किया जाता है, हमारे यहाँ पे सिर्फ एक टेम्पलेट डैग फाइल है, पाइथन कोड है. हम लोग यामल फाइल्स बनाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर टेबल. वो जो टेम्पलेट डैग फाइल है ना हमारा, तो उसमें हम लोग वो यामल फाइल सोर्स करते हैं. वट एवर डिटेल्स आर प्रोवाइडेड इन दैट फाइल, हम लोग उसको रिकर्सिवली रीड करते हैं. वो इंफॉर्मेशन यूज करके हम लोग डैग क्रिएट करते हैं. हमारे टेम्पलेट डैग फाइल में क्रिएट डैग नाम की एक फंक्शन है, तो हम लोग उस क्रिएट डैग फंक्शन से हमारा डैग क्रिएशन होता है. तो हमारे पास सेपरेट डैग फाइल्स डायरेक्टली यूआई में ही मिलती है, ठीक है? समझ रहे हो? तो ये जो टेम्पलेट डैग फाइल है ना, इट कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ डैग्स. आप यामल डाल दोगे, यामल फाइल मतलब जेसन जैसी फाइल होती है कॉन्फिग्रेशन की, तो आप उस डिरेक्टरी में डालोगे तो आपका डैग रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो टेम्पलेट डैग फाइल ही क्रिएट करता है. दिस इज सॉर्ट ऑफ अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ डायनामिक डैग, यू कैन से, ठीक है? पाइथन फंक्शन इज क्रिएटिंग योर डैग्स, ठीक है? पर्पस ऑफ एयर फ्लो प्लगइन, ये तो पता ही है. क्या है पर्पस प्लगइन का? प्लगइन्स क्यों यूज करते हैं हम लोग? कस्टमाइज ऑपरेटर. यस, कस्टम चीजें लिखने के लिए कस्टमाइज ऑपरेटर्स, हुक्स, सेंसर्स, जो भी लिखना है, कस्टम फंक्शनैलिटी लिखनी है तो आप प्लगइन यूज करते हो. एयरफ्लो मेटा डेटाबेस, ये भी पता ही है आपको, ठीक है? हैंडल्स रिट्राइजेड, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, डायग्राम, मॉनिटर एंड डिबग. हाउ डू यू मॉनिटर? हाँ ये भी ठीक है, आप कर लोगे ये. तो मैं आना चाहता हूँ अभी आखिरी पॉइंट मेरा, मैनेजिंग डेटा डिपेंडेंसीज, ये कर लोगे आप. ये भी रिपीट हुआ है पॉइंट, एयर फ्लो कनेक्शन, कुछ कुछ रिपीटेड है क्वेश्चंस, आप रिमूव कर सकते हो बाद में, ठीक है? मच टाइम टुडे, ठीक है?
लेकिन मैं सिनारियोस दिखा देता हूँ आपको। ऐसे सारे चीजें रिपीट हो रही है, देख लो आप। ये फाइल में से ना वो सिनारियोस हटा दो जो भी रिपीट हो रहे, ठीक है। सिस्टम लॉगिन, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाउ टू मॉनिटर डैग्स इन एयरफ्लो। ठीक है, हाउ टू मॉनिटर टैग्स इन एयरफ्लो। सो देर आर डिफरेंट ऑप्शन राइट। एयरफ्लो वेब्यूआई से आप करते हो, ठीक है। दूसरा क्या है, हाँ प्रॉपर लॉगिंग मैकेनिज्म देखिए। एयरफ्लो लॉग में भी आप ये कर सकते हो, जैसे स्प्लंक वंक पे, आई डोंट नो व्हाट इज दिस पॉइंट। हाँ मतलब स्प्लंक भी क्या है, स्प्लंक भी टूल है, लॉग मॉनिटरिंग टूल है। तो आप एयरफ्लो से कनेक्शन बना के स्प्लंक में अगर एयरफ्लो के लॉग्स का एक्सेस दे दोगे तो स्प्लंक में यू कैन विजुअलाइज इट, ठीक है। तो सॉर्ट ऑफ जो एक्सटर्नल सिस्टम डेटाडॉग और ग्राफेना में जैसे कर रहे हो ना, ये सिर्फ लॉग देखने के लिए करते हो, यहाँ पे कोई डैशबोर्ड्स वगैरह नहीं होते, ठीक है। ईमेल अलर्ट्स, ऑलरेडी प्रियंका ने अभी बताया, ईमेल और फेल्यूअर, सक्सेस, रिट्राई, ये सब चीजों से आप लेकिन आपको अगर ईमेल अलर्ट करना है ना, आपको एसएमटीपी सेटिंग्स करनी पड़ती है। आप अभी आपके इसमें करोगे ना तो आपको सर्च करना है आपके देखो अभी एक चीज बता देता हूँ, आप अभी आपके एयरफ्लो के डैग्स में से अगर ईमेल अलर्टिंग मैकेनिज्म आपको कॉन्फिगर करना है ना, तो एयरफ्लो डॉट सी एफ जी में आपको जाके कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं एसएमटीपी रिलेटेड, ठीक है। मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिलेटेड आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो यू नीड टू कीप इन माइंड कि आपका ईमेल क्यों नहीं सेंड हो रहा है, तो यू सर्च ऑन चैट जीपीटी कि एसएमटीपी रिलेटेड एयरफ्लो के सीएफजी में, एयरफ्लो डॉट सीएफजी में चेंजेस क्या करने पड़ते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू प्रोवाइड वन डोमेन लाइक माइक्रो, वेदर माइक्रोसॉफ्ट या वट एवर, उसका एसएमटीपी का यूआरएल देना पड़ता है शायद, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, बट यू कैन ट्राई इट, ठीक है। वैसे ही करना पड़ता है। थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग टूल, हाँ ये देखो ग्राफेना, डेटाडॉग, न्यू रेलिक, ये सब थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग टूल्स है। तो हमारे पहले एक वेब यूआई लॉगिंग, लॉगिंग के लिए अगर कोई एक्सटर्नल टूल यूज करना है तो कर सकते हो, स्प्लंक है जैसे, ठीक है। ईमेल अलर्ट जो भी आपके लॉग डायरेक्टली डैक से कर सकते हो आप बाय कॉन्फिगरिंग एसएमटीपी। थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग टूल्स है जैसे ग्राफेना, डेटाडॉग, कस्टम मॉनिटरिंग टूल्स है, वही है, दोनों सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ अभी आ गए हमारे सिनारियो, दिस होल्ड्स वेरी हाई इंपॉर्टेंस इन योर एयर फ्लो क्वेश्चन। ओके, कोई भी ना आपको सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन पूछता है ना, तो वॉट दे वॉन्ट इज टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एयर फ्लो इन एंटायरिटी, ठीक है। तो उनको क्या चाहिए कि डू यू नो बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ डैग्स, कैन यू राइट सर्टेन डैग्स, एंड कैन यू मॉनिटर देम एफिशिएंटली, कैन यू डिबग देम एफिशिएंटली, इतना ही चाहिए उनको। कैन यू राइट अ डैग, कैन यू मॉनिटर अ डैग, मॉनिटरिंग मतलब डिबगिंग भी आ गया उसमें, ठीक है। तो ये तीन चीजों को ध्यान में रख के वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसे अगर टाइम आउट एरर्स आते हैं तो व्हाट यू कैन डू, वेयर वेयर यू विल फोकस अपॉन टाइम आउट एरर आते हैं, ठीक है। तो टाइम आउट एरर क्यों हो सकता है, टास्क कीप्स फेलिंग ड्यू टू टाइम आउट एरर। टाइम आउट एरर क्यों आता है, दिस इज अ सिस्टम लार्ज एरर, अमाउंट ऑफ डेटा हैंडलिंग, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। थोड़ा धीरे धीरे से बोलो, मैंने सुना नहीं आपका, बोलो क्या हुआ भाई, आप कुछ बोल रहे थे, बोलो ना, आंसर दे रहे थे या ऐसे ही बोल रहे थे कुछ। नहीं सर, ऐसे ही डिस्कस। ओके ठीक है, ओके ठीक है। कंसिडर ट्यूनिंग टास्क टाइम आउट एंड रिट्राइज पैरामीटर दिस आर यू कंसिडरिंग इंक्रीजिंग द रिसोर्स ऑफ, ठीक है। तो टाइम आउट एरर जनरली ना सिस्टम एरर्स की वजह से आता है, ठीक है। तो अगर आपका एयर फ्लो का इंस्टेंस है, इफ इट इज एयर फ्लो का इंस्टेंस अगर फंक्शन नहीं करता है
और या फिर आपके रिसोर्सेस बहुत ज्यादा पैक होते हैं, ठीक है, देर आर सो मेनी डैक्स दैट आर रनिंग एंड कंज्यूमिंग एयर फ्लो का मेमोरी, तो आपके डैक को एंट्री ही नहीं मिलती है एयर फ्लो सर्वर में, ठीक है। तो उस टाइम पे काफी टाइम वेट करने के बाद आपका, अगर जो भी आपने कॉन्फिगर किया है टास्क टाइम आउट पैरामीटर, वो जब ब्रीच हो जाता है ना, और तब भी आपके एयर फ्लो रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं होते, तब आपको टाइम आउट के एरर्स आते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? क्लियर है ना? हाँ, तो उस टाइम पे यू हैव टू थिंग्स टू पॉइंट आउट टू, राइट, व्हाई यू आर नॉट गेटिंग एक्सेस टू दोज रिसोर्सेस। इफ रिसोर्सेस आर इफ यू हैव अ रिसोर्स क्रंच, यू विल हैव टू इंक्रीज रिसोर्सेस, ठीक है, एज पर जितनी भी रिक्वायरमेंट है आपके डैक की। या फिर यू वॉन्ट टू बी पेशेंट विथ योर डैक टू गेट एंट्री इन टू एयर फ्लो एंड यू कैन इंक्रीज टाइम आउट पैरामीटर। समझ में आ रहा है? उसको इंक्रीज करोगे तो एटलीस्ट वो ज्यादा टाइम के लिए वेट करेगा टू फ्री अप द रिसोर्सेस। इज दिस पॉइंट क्लियर? क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ये सिंपल पॉइंट है यार। चलो मैं नेक्स्ट इस पे जाता हूँ, ठीक है। सर हाँ, सर नेटवर्क टाइम आउट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड ना हियर? यस यस यस, वो यस नेटवर्क टाइम आउट ही है ना। ओके ओके ठीक है, लॉग्स में आपको समझ में आएगा नेटवर्क टाइम आउट मतलब क्या होता है। वही है ना कि आपके अगर एयर फ्लो के सर्वर से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो वो नेटवर्क टाइम आउट करेगा, बराबर। तो यस सिमिलर एग्जीक्यूटेड सिक्योरली विद प्रॉपर क्रेडेंशियल्स, यू नीड टू इंश्योर दैट ईच टास्क इज एग्जीक्यूटेड सिक्योरली। हाँ, तो हाँ, आई नीड टू रीड द सिनारियो फर्स्ट। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सेकेंड वन, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एन एयर फ्लो इंस्टेंस दैट प्रोसेसेस डेटा विद फ्रॉम मल्टीपल एक्सटर्नल सोर्सेस एंड यू नीड टू इंश्योर दैट ईच टास्क इज एग्जीक्यूटेड सिक्योरली विद प्रॉपर क्रेडेंशियल। व्हाट डू यू डू? यूज एयर फ्लो कनेक्शन स्विचर टू सिक्योरली स्टोर एंड मैनेज क्रेडेंशियल फॉर ईच एक्सटर्नल सोर्स। यस, दैट्स व्हाट वी डू, राइट। एयर फ्लो, अब AWS की क्रेडेंशियल भी वैसे ही स्टोर किया हमने। वी डोंट वॉन्ट टू डिरेक्टली इंसर्ट द क्रेडेंशियल्स। मैंने वही बोला ना, आप O2-3 यूज करोगे, EMR क्लाइंट यूज करोगे, देयर यू रिक्वायर एक्सेस की एंड सीक्रेट एक्सेस की, राइट। तो डू यू वांट टू हार्ड कोड दोज वैल्यूज देयर? इफ यू आर हार्ड कोडिंग देन यू आर मेकिंग इट मोर प्रोन टू ब्रीच, राइट। अगर समझो आपके कोड का एक्सेस Level 2, Level 3, Level 4 पे है, लेकिन यू डोंट वॉन्ट टू शो क्रेडेंशियल्स टू Level 4 एंड Level 5, वॉट एवर, तो उनको अगर कोड का एक्सेस है तो उनको ये एक्सेस मिल ही गया ना एयर फ्लो का, सॉरी AWS का, AWS के क्रेडेंशियल्स का। यू डोंट वॉन्ट टू डू दैट। तो एक लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन आप डाल देते हो बाय क्रिएटिंग एयर फ्लो कनेक्शन एंड यूजिंग हुक्स एंड ऑल, यू कैन फेच इट इन योर कोड, ठीक है। Appropriate credentials, I would make sure the sensitive information not stored in plain text in DAG or task definition. यही है, not stored in plain text in DAG, मतलब हम लोग डायरेक्ट हार्ड कोड नहीं कर रहे वो चीजें, ठीक है। दैट्स वॉट इट मीन्स। यू आर डेवलपिंग अ न्यू एयर फ्लो वर्क फ्लो दैट इन्वॉल्व मल्टीपल टास्क दैट आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सम ऑफ दिस टास्क रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा टू बी प्रोसेस्ड। ओके, हाउ वुड यू डिजाइन दिस? क्या करोगे आप? यही करोगे ना, EMR यूज करोगे, बोल तो बस खत्म है। एक EMR का टास्क डाल के वहां पे लार्जर पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग का एडवांटेज लेंगे सो दैट यू विल बी एबल टू हैंडल दैट सॉर्ट ऑफ लोड एफिशिएंटली। सिंपल है, इतना पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर में होगा प्रोसेसिंग यूजिंग क्लस्टर, और वही है सिंपल। और ये सब चीजें तो योर EMR क्लस्टर, EMR विल टेक केयर ऑफ इट, लाइक ब्रेकिंग अप द डेटा प्रोसेसिंग इनटू स्मॉलर एंड मैनेजेबल चंक्स। ये तो आपका ड्राइवर कर लेता है ना, यूजिंग योर ऑल कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर फीचर्स एंड ऑल।
मेक सेंस? यस यस। चलो सिनारियो फोर क्या है, आई कवर टू थ्री मोर सिनारियोस, अदर्स यू कैन, मतलब एटलीस्ट यू गेट टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये करना है, ठीक है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एन एयरफ्लो इंस्टेंस दैट प्रोसेसेस डेटा ऑन डेली बेसिस, ओके, एंड यू नीड टू एंश्योर दैट द डेटा इज प्रोसेस रिलायबली एंड विथ मिनिमल डाउन टाइम। हाउ डू यू एंश्योर दैट? क्या करोगे? मतलब ये तो आपको ये पूछ रहा है कि एयरफ्लो के सर्वर मैनेजमेंट के बारे में पूछ रहा है कि रिलायबली मतलब और मिनिमम डाउन टाइम, मतलब आपका सर्वर डाउन नहीं होना चाहिए, तो क्या ही करोगे? हाई अवेलेबिलिटी फीचर्स सच एज रनिंग मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ एयरफ्लो शेड्यूलर एंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू टू एंश्योर दैट डेटा प्रोसेसिंग कैन कंटिन्यू इवन इफ वन और मोर कॉम्पोनेंट्स फेल। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट ये आप पढ़ लो, मेरे भी सर के ऊपर से जा रहा है ये पॉइंट। ठीक है, आई वुड ऑल्सो कंसिडर यूजिंग हाई अवेलेबिलिटी फीचर्स सच एज रनिंग मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ एयरफ्लो शेड्यूलर। जस्ट टेक अ लुक एट दिस थिंग, ओके, हाउ डू यू, what does this mean, running multiple instances of airflow scheduler? ठीक है, I am not very much sure about this. I don't recollect what I have understood from it at that time also. Distributed task queue service आपको पता है ना, Redis और RabbitMQ वगैरह, तो एक बार इसको देख लो खुद से, ठीक है, I'm not able to understand it at this time, okay? Just in this scheduler. If you don't understand something, just face this scenario on ChatGPT and ask him to give simple explanation and remove this part and add that answer to it. ठीक है, क्यों ये सब ChatGPT से लिए हुए हैं? ठीक है, you have a DAG that includes multiple tasks, some of which take a long time to complete. Okay, हाँ, एक कोई टास्क है जो टाइम ले रहा है, हाउ वुड यू हैंडल टास्क फेलियर्स टू मिनिमाइज इंपैक्ट ऑन ओवरऑल डैग? क्या करोगे? रिट्राई एंड फॉल बैक मैकेनिज्म टू हैंडल टास्क फेलियर्स, रिट्राई करोगे? हाँ, फॉल बैक बिहेवियर्स इन ईच टास्क ऑटोमेटिकली रिट्राई और फॉल बैक टू अनदर टास्क इफ द ओरिजिनल टास्क फेल्स। हाँ, तो कुछ नहीं है, रिट्राई और फॉल बैक मैकेनिज्म आपको कॉन्फिगर करना पड़ेगा। इफ रिट्राइज ऑल्सो डजेंट हैव, जो भी फॉल बैक मैकेनिज्म है, मतलब क्या है फॉल बैक, एक टास्क डिपेंडेंसी लिख रहे हो बस, तो ये भी देख लेना। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस सिनारियो, और जो भी चीजें नहीं समझ में आ रही है ना, छोड़ दो गाइस, इतना कुछ नहीं है, सारी चीजें आने की जरूरत नहीं, ठीक है। डाउनलोडिंग लार्ज फाइल फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, ओके, एंड मिनिमल नेटवर्क यूसेज एंड प्रोसेसिंग टाइम, ओके। हाँ, यहाँ पे फीचर है एयरफ्लो बिल्ट इन पैरेललिज्म फीचर्स, डाउनलोड मल्टीपल फाइल साइमल्टेनियसली, आई वुड यूज डेटा कंप्रेशन टू रिड्यूस द साइज ऑफ डाउनलोडेबल फाइल्स, आई वुड ऑल्सो कंसिडर कैशिंग डाउनलोडेड फाइल्स, लोकल कैशिंग। ये कैसे करते हैं आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, जस्ट सर्च अबाउट इट। ये सिनारियो एटलीस्ट 10 सिनारियो तो कर लो स्टार्टिंग वाले, बाकी की छोड़ देना, ठीक है, एटलीस्ट 10 सिनारियो कर लो, यू आर अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो कुछ चीजें अगर नहीं समझ में आ रही ना, आई हैवन ट्रेड फ्रॉम सो मेनी डेज ऑल्सो, ठीक है, तो मुझे भी नहीं पता है, याद नहीं आ रहा है मुझे भी, ठीक है, तो जस्ट सर्च अबाउट दिस सिनारियो, गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड राइट इट डाउन, ठीक है। टास्क डिपेंडेंट ऑन द कंप्लीशन ऑफ टास्क इन अनदर डैग, ये देखो ट्रिगर डायग्राम की यूज के साथ ही, ठीक है, you have included tasks that depend on completion of task in another, how do you manage inter-tag dependencies, aise type ke scenario, ye to thoda complicated hai, I would say ki ye wala to question koi puchega nahi, ye resource matlab airflow instance kaise manage karte ho, ye wala mujhe nahi lagta hai ki useful as such, because that is not your concern to be honest, theek hai, to this is how you will read this file. I have tried to give you an idea, ठीक है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग ये कर लोगे खुद के खुद से अच्छा, और इसमें कुछ वैल्यू एडिशन करके यू विल मेक इट यूजफुल, और किसी ने अगर कुछ भी वैल्यू एडिशन किया है उसमें एंड यू थिंक कि वो बाकी के लोगों के लिए यूजफुल हो रहा है, ठीक है, तो एड दोज नोट्स टू योर ग्रुप्स ऑल्सो, इट इज गुड टू शेयर योर नॉलेज, ओके।
इतना ही है एयर फ्लो में, और कुछ चीजें तो बची नहीं है मेरी तरफ से, मैंने सारी चीजें ले ली है, ठीक है। वी कैन से हमारा एयर फ्लो का सिलेबस अभी खत्म हो गया है। तो द रिमेनिंग चीजें क्या है कि जो भी टास्क दिए हैं दो तीन, जो भी आपके पास है अभी, तो वो कंप्लीट करो। उसके बाद हम लोग एक हाथ सेशन अरेंज करेंगे टू गेट मोर अंडरस्टैंडिंग एट द प्रोजेक्ट लेवल, कि कैसे प्रोजेक्ट लेवल इम्प्लीमेंटेशन या फिर कोई और एडिशनल चीजें आपको अगर कुछ उस उन चीजों में हेल्प लगती है तो वी कैन अरेंज अ सेशन फॉर दैट। इज दिस क्लियर? यस सर।